बाली जाने का प्लान ना हमारा कम से कम 2 साल पहले बना था, क्योंकि उस वजह से तब मैं पर्थ में थी और पर्थ से बाली की लिटरली 3 घंटे की फ्लाइट थी, और मैंने इतनी ज्यादा तारीफ सुनी हुई थी ना कि मतलब हर दूसरा बंदा वहाँ पे कहता था कि यार अगर घूमने फिरने जाना है ना तो ऑस्ट्रेलिया की बजाय पर्थ की बजाय बाली जाओ। तब फिर मिसफा साहब ने कहा जी अभी मैं आने वाला हूँ तो अभी हौसला करो, और फिर लेट होते होते ये फाइनली हमारे साथ आया। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने मजे से पूरा रास्ता फोन यूज किया। हम लोग रात को आए, चेक इन किया, इतने थके हुए थे सो गए, और सुबह उठ के मैंने बाहर निकल के देखा, मैंने कहा वाओ यार मौसम बड़ा फिट हुआ है। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए सारे कमरे दोबारा से सेट किए थे, लेकिन ऑब्वियसली यार वो जो हाउस कीपिंग ने सेट किए होते ना वैसे नहीं हमसे हो सकते। तो ये एक छोटा सा रिजॉर्ट था जिसके अंदर 2 कमरे, 1 किचन, हर जरूरत की हर चीज यहाँ पे थी, और साथ ही आपके पास अपना प्राइवेट पूल भी था। कल हम एयरपोर्ट से घर तकरीबन 1.5 घंटे में पहुंचे थे, तो हमें आइडिया हो गया था कि यार यहाँ पे अगर आपने तसल्ली से घूमना फिरना है तो आपको बाइक चाहिए ही चाहिए। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, बाली बेसिकली एक बहुत बड़ा आइलैंड है और इसके अंदर ना छोटे छोटे सिटीज हैं, और मतलब यहाँ पे सड़कें बहुत बड़ी नहीं होती हैं। यहाँ पे वैसे नॉर्मली गर्मी होती है क्योंकि इट्स अ ट्रॉपिकल लैंड, लेकिन सितंबर से ऑनवर्ड्स आई थिंक मार्च तक बहुत अच्छा मौसम होता है। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं, तो वो जो ठंडी ठंडी शाम को हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है, नो डाउट धूप गर्म होती है, वो जो ऐसा कंफ्यूजिंग सा मौसम होता है ना कि हम लोग पी तो ठंडा पानी रहे होते हैं लेकिन नहा गर्म पानी से रहे होते हैं। फिर ये एक लेबनीज रेस्टोरेंट था, मेरे साथ ना कल से ऐसे ही हो रहा है, जो चीज़ मुखीत ऑर्डर करते हैं ना बहुत मजे की निकलती है, और जो चीज़ मैं मंगा लेती हूँ ना उफ तौबा मैं बाद में इतना रिग्रेट कर रही होती हूँ कि यार सारे पैसे जाया हो गए। मैंने ना मकलूबा पढ़ा और वो मैंने ना बहुत ज्यादा इंटरनेट पे देखा हुआ था, तो मैंने कहा ये ट्राई करती हूँ ना। अब वो बेसिकली बैंगन के अंदर चावल होते हैं, और वो जब आया तो आप यकीन करो कि पूरे के पूरे पोर्शन साइज में ना मेरे ख्याल से 70% उन्होंने बैंगन ही भरे हुए थे। अंदर वाले जो चावल थे ना वो बहुत मजे के थे, लेकिन बाहर से बहुत ही फारिग था। वो बैंगन का टेस्ट ना, मतलब आप सोचो यार बैंगन कभी भी नहीं किसी तरह भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर मैं तो स्ट्रीट फूड की दीवानी, वहाँ पे मुझे एक रेडी नजर आई, मैंने कहा ये ट्राई करना है, ये भी इतना इनका ये कोई सूप था और बहुत ही फारिग था, ये चेक करें। मैं अभी बता रही थी ना यहाँ पे सड़कें बड़ी कंजस्टेड होती हैं और गोरे आते हैं यहाँ तो इंजॉयमेंट करने, अब उनको क्या पता पाकिस्तान में तो हम रोज यही कुछ करते हैं, बाइकों पे फिर रहे हैं। फिर खैर हमें और भूख लग रही थी तो हम लोग आ गए एक पास्ता रेस्टोरेंट, वहाँ से फिर हमने एक पास्ता मंगवाया, और वो भी उफ तौबा मैं बाद में सोच रही थी कि आइंदा के बाद जो है ना यार कढ़ाई और बिरयानी से नीचे कोई चीज़ नहीं है भाई। हमारे ना वो टेस्ट बड्स डेवलप हो गए हमारे दिमागों में, फिर हमें और कोई चीज़ नहीं मजे की लगती। और मुझे ऐसे लगता है अगर आपको खाना ना अच्छा मिल रहा हो ना तो खाना बुरा हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका मूड ही खराब हो जाता है। ये ऊपर बादल चेक करें। फिर हम लोगों ने एक कन्वीनियंस स्टोर से फटाफट कॉफी ली, और वो शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छी निकली। बीइंग फेमस ऑन इंस्टा इज लाइक बीइंग रिच इन मोनोपोली, आई डोंट नो। पास्ता खाने के बाद मुझे कहते हैं हमारा कढ़ाई का अपना ही मजा है, मैंने कहा हाँ बस अब सब्जी गोश्त खरीदते घर चल के मैं आपको कढ़ाई बना देती हूँ। और बाइक पे फिरने का एक और बहुत अच्छा एडवांटेज ये था कि हमारा बच्चा ना और कहीं काबू आए ना आए, हमसे बाइक पे वो कहीं नहीं जाता, आराम से बैठा रहता है सुकून से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, फॉलो कर लेना।